हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू दासर इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, यू आर वाचिंग दासर इंग्लिश ग्रामर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वॉइस पार्ट 29। आज हम चर्चा करेंगे कुछ अलग हट करके, यानी इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा, क्या उसका स्थिति होता है, क्या कंडीशन होता है, क्या क्या यूज होता है, ये सारे चीज पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले आप थोड़ा कॉपी और कलम लेके बैठेंगे, नोट करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और खुद भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। हाँ, थोड़ा लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करते रहें, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। क्या है? रिलेटेड टू इम्परेटिव। इसके पहले के वीडियो में मैंने कुछ झलक दिया था, ग्लिम्स दिया था, आज पूरा डिटेल दे रहे हैं। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 8 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, जाना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि सीखना है। सीखना है तो उसमें फिर समय क्या, सीखने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, स्टूडेंट के अंदर तो पेशेंस होना ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इंपरेटिव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। यह क्या है? ऑर्डर। जब ऑर्डर का एक्सप्रेशन हो, जब ऑर्डर का बोध हो, तो पैसिव में क्या होगा? लेट। लेट से बनाएंगे। क्या? लेट ए ग्लास ऑफ मिल्क, आपका सब्जेक्ट हो गया बी ब्रॉट, राइट। बी कॉमन है, ब्रॉट कॉमन है, ओके। नाउ नेक्स्ट, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में एडवाइस झलकता हो, सजेशन झलकता हो, उस स्थिति में, उस कंडीशन में क्या करना है? शुड से बनाना है, यानी द नीडी शुड बी हेल्प, शुड डाल देना है, चाहिए, बी कॉमन है, बी थ्री कॉमन है। एडवाइस रहने पर ध्यान में रखना है, एक एक पॉइंट को सुनना है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली रहे, यहां मैंने केवल प्लीज दिया है सेंटेंस बनाने के लिए, काइंडली भी हो सकता है, प्लीज सपोर्ट मी, यहां पे हम क्या देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड डालेंगे, काइंडली और प्लीज रहने पर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सपोर्ट मी, राइट। यदि एक्टिव सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब हो, तब हम यू आर ऑर्डर्ड से बनाएंगे। क्या चीज से? यू आर ऑर्डर्ड, और बाकी जो सेंटेंस है उसको हम सेट कर देंगे, राइट। यदि कोई भी सेंटेंस एक्टिव में लेट से शुरू हो, लेट देम फिनिश द वर्ड, तो उसको पैसिव में लेट रहने देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, फिर बी डालेंगे, फिर बी थ्री डालेंगे, बाय और देम का देम। तो है ना कुछ स्पेशल आज का टॉपिक, इसको गौर से देखना है, प्रैक्टिस करना है, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन रहता है, चाहे वो टेंथ का हो, चाहे वो ट्वेल्थ का हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में जरूर रहता है, अदर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, बहुत सारा छोटी छोटी प्रॉब्लम दिखा देता है और कहता है सॉल्व करने के लिए। तो इस ट्रिक को आप देख लेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, इसके बाद मैं बहुत जल्दी नरेशन शुरू करने जा रहा हूं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा, इंतजार कीजिएगा थोड़ा, नरेशन के लिए बहुत जल्द लेके आऊंगा, या तो एक वीडियो के बाद उसको समाप्त करने के बाद फिर नरेशन चैप्टर शुरू होगा, तो उसको देखते रहिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद।